माफी मांगोगी या नहीं? वो शिवंग सिंह अप्रोय है जिसे मैं जानती थी। तुम भी वो मनिका नहीं हो जिसे मैं जानता था। छोड़िए मुझे, जाने दीजिए। जिया से माफी मांग लो, छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं जिया से माफी मांगने के लिए तैयार हूं। That's not important to you. Anyway, Anika, तुमसे माफी मांगने आई है। No, Shivai baby. I don't think so. माफी? दिया? दिया, क्या हो गया? सॉरी डियर। व्हाट इज रॉन्ग विद यू अनिका? क्या है ये? सॉरी तब बोला जाता है जब कोई गलती की है। जब कोई गलती की नहीं तो सॉरी क्यों बोलती? इसलिए गलती करनी। Shivai baby, did you see that? तुम्हारे सामने उसने मुझ पे अटैक किया, मुझे हार्म किया। तो सोचो कि अकेले में वो क्या क्या कर सकती है। And you know what, Shivai baby? This is all because of you. तुम उसे कुछ नहीं कहते। You don't do anything and you can't do anything. इस घर से निकालना तो दूर, तुम तो उसे अपोलोजाइज भी नहीं करवा सके शिवाय बेबी। You know, sometimes I wonder कि क्या तुम वही शिवाय सिंह ओबेरॉय हो जिसके आगे दुनिया झुकती है? शिवाय बेबी, अब तो मुझे भी लगने लगा है कि तुम खुद अनिका से शादी करना चाहते थे। What nonsense, यार! मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ? This is not true. This is not true. Then वो इस घर में क्यों है? शिवाय बेबी, तुम तो उसे अपनी बीवी मानते ही नहीं, right? तो फिर किस हक से वो इस घर में बहू बनी फिर रही है? किस हक से तुम्हारा रूम शेयर कर रही है? किस हक से वो सारे रिचुअल्स कर रही है जो तुम्हें मेरे साथ करने चाहिए थे? Tell me, शिवाय बेबी, why don't you just throw her out? ये ड्रामा खुद ज्यादा ही खींच गया। मुझे कल तक का वक्त हो दिया, फिर देखना शिवाय सिंह ओबेरॉय क्या कर सकता है। तुम्हें तो सर्दी लग गई है, पर तुम भीग कैसे गई थी पुत्र? अनिका, अरे कोई बता।
आएगा, तुम लोग भीग कैसे गए थे? दादी, इन्होंने मुझे पूल में से निकाला, पूल में से निकाला। अनिका स्लिप हो गई थी तो उसको बचाने के चक्कर में मैं भी थोड़ा भीग गया। ओ, ध्यान रखना चाहिए था ना पुत्र, चोट लग जाती तो। चोट खाने की आदत सी हो गई है दादी। हाय हाय, बुखार भी हो गया है ठंड से, और कपड़े भी नहीं बदले अभी तक, भीगे कपड़े पहन के बैठी है। चल कपड़े बदल ले, शाबाश। दादी मेरे कपड़े तो यही है, मैंने सौम्या से कह के मंगवा लिए थे, अलमारी में रखे हुए अभी। मेरी वार्डरोब, किसने किया ये सब, वो भी मुझे बगैर पूछे? तेरी दादी ने। क्यों दादी? क्योंकि ये कमरा तेरा अकेले का नहीं है, अनिका का भी है, तो उसके कपड़े कहाँ रखती? I don't care. मैं अपनी वार्डरोब किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा, किसी के साथ। करनी पड़ेगी, क्योंकि अनिका अब तेरी बीवी है, इसलिए तेरी हर चीज पे उसका बराबर का हिस्सा है और हक है। घर, कमरा, अलमारी, यहाँ तक कि तेरी जिंदगी में भी। और इससे पहले कि तू भी अनिका की तरह बीमार पड़ जाए, कपड़े बदल ले। तू भी बदल ले पुत्र, मैं तुम दोनों के लिए गरम गरम सूप भिजवाती हूँ। मुझे कपड़े लेने। आपने दादी से झूठ क्यों बोला? झूठ सिर्फ तुम ही बोल सकती हो। मैं झूठ नहीं बोलती। एक और झूठ तो बताइए ना, क्या झूठ बोला मैंने, बोलिए। Let's not get into this. Okay. तुम रूम में चेंज कर लो, मैं रूम के रूम में जा रहा हूँ। Yes, mom. इस पूरे ड्रामे का ये फायदा हुआ कि मैंने शिवाय को टोटली अनिका के अगेंस्ट कर दिया। आप देखना मॉम, वो कल थक्के मार के अनिका को घर से बाहर निकाल देगा, और फिर वही होगा जो हमने प्लान किया है। आपने बिल्कुल सही कहा था मॉम, थोड़ी सी दर्द से बहुत खुशी मिलेगी। थैंक्स मॉम।